हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के सब कमिंग एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे नताशा परेशान हो रही थी कि कहीं उसने शिवांगी को निमृत बना के यहाँ लाके कोई गलती तो नहीं कर दी है, कहीं अगम जी मुसीबत में तो नहीं आ गए हैं, मेरी वजह से वो ये सोच रही होती। इधर अगम निमृत को ढूंढने के लिए जा रहे होते, सोचते पता नहीं बेचारी कहाँ घूम रही होगी। इधर अमृत आती है, कहती जी ये नताशा और तेज इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तभी अगम को गुस्सा आ जाती है, वो उसका गला दबाने लगता है। अमृत से कहता है कि बंद करो ये झूठा दिखावा, कहीं तुमने ही तो मेरी निमृत जी को गायब तो नहीं करवा दिया, कहीं तुमने ही तो नहीं। अमृत कहती अगम ये क्या कह रहे हो आप। कहती है कि अगम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगम कहता है तुम क्या चीज़ हो, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अमृत। अगम कहता है कि एक बात याद रखना अमृत, अगर तुमने मेरी निमृत जी को जरा भी नुकसान पहुँचाया या जरा भी कुछ किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये अमृत कहती है कि अगम जी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का भरोसा करो। अगम कहता भरोसा वो भी तुम जैसी औरत का, धोखेबाज औरत का, कभी नहीं कर सकता हूँ, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा कि तुमने क्या किया है निमृत जी के साथ उनके मिलने के बाद। फिर वो वहाँ से चला जाता। अमृत कहती है कि जो भी हो तुम मेरे इतने पास तो आए अगम जी, मैंने आज तुम्हें इतना महसूस किया। फिर दिखाते हैं तेज के पास, जो है नताशा का फ़ोन आता है। अमृत कहती है कि तेज जी आपको पता चला कि शिवांगी कहाँ है, वो मिल नहीं रही है, कहाँ होगी पता नहीं। तो तेज कहता है कि मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मिली है कि उसके मुताबिक कि अगर शिवांगी वही लड़की है जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं तो आज शिवांगी बच नहीं सकती है। कहता है कि मैं अपने आदमियों को लेकर मार्केट में ही जा रहा हूँ। तो नताशा कहती है कि मार्केट क्या वो मार्केट में होगी। वो कहता है हाँ। तो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो तेज कहता है नहीं तो वहाँ पे तुम्हें खतरा होगा। वो कहती मेरी वजह से मेरे अपने खतरे में है, और शिवांगी को निमृत बना के मैं ही लाई थी तो मुझे ही आना होगा और निमृत को ढूंढना होगा और अपनों की रक्षा करनी होगी। इधर अमृत ये बात सुन लेती, कहती अच्छा उस डुप्लीकेट का नाम तो फिर निमृत शिवांगी है और लेके तुम आई हो, यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में। मैं यहाँ पे जो है तेज को लेके आई थी, और देखो तेज मेरे कहने के हिसाब से ही चलता है, और तुम शिवांगी को लेके आई, वो तो तुम्हारा कहना भी नहीं मानती, अपने मन का करती है। और तो नताशा कहती है अच्छा तो तुमसे किसने कहा। ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा कहना मानती है, वो गई है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। इधर अमृत आती है यू के पास, कहती तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। तो काम पर लगने का वक्त आ गया है, वरना वो निमृत हमसे बाजी मार जाएगी। वो कहता तो मैं क्या करूँ, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें तुम्हारा नुकसान है। तो वो कहती है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, दोनों के मकसद भले ही अलग अलग हों लेकिन दुश्मन एक ही है, चाहे तुम उसे निमृत कहो चाहे नताशा कहो, हम दोनों की मंजिल एक ही है। बात चाहे तुम करो या मैं, पर हम दोनों का निशाना तो एक ही है, और एक वक्त हमारे हाथ सुनहरा मौका मिला है और हम उसे हाथ से जाने नहीं देंगे। निमृत कहती है कि वो डुप्लीकेट उसका नाम शिवांगी है और वो गायब है। तो यू कहता है इसका मतलब है तुम ये चाहती हो कि इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लगे हम उसे गायब कर दें। तो अमृत कहती है हाँ। कहता है और तुम चाहती हो कि हम उसे हमेशा के लिए गायब कर दें, उसको मार दें। तो अमृत कहती है यस, और ये काम इतनी होशियारी से करो कि किसी को पता ना चले। अमृत कहती है अभी अभी अगर मुझे धमकी देखे गए हैं कि अगर उसके निमृत को कुछ भी हुआ तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी कच्ची गोलियां खेली हैं, जब उस निमृत को मैंने किडनैप किया था तो किसी को पता चला या किसी को मुझ पर शक हुआ। तो अमृत कहती है हाँ बिल्कुल सही। कहते हैं कि अगम जो है वो अपनी वो शिवांगी निमृत को ढूंढ रहा होता है और वो उसे मिल नहीं रही, वो बहुत परेशान हो रहा होता है कि कहाँ गई। और इधर शिवांगी और एक लड़की गायत्री वो लोग फाइल देने के लिए आ रहे होते हैं। तो इधर जो है तेज के जो ऑफिसर होते हैं वो लगे हुए होते हैं, इधर तेज बैठा हुआ होता है और इंतज़ार कर रहा होता है उसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पर शिवांगी को वो देख नहीं पाता है और रोड पे घूमने लगता है ताकि उसे दिख जाए। इधर तब तक ऐसा होता है कि निमृत नताशा आ जाती है और तेज उसे देख लेता है, कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने ये क्या क्या करके बैठे हो। तो कहता मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो नताशा कहती है कि अगर निमृत नहीं मिली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इधर वो गायत्री को समझाती है शिवांगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवांगी गायत्री को बहुत डर लग रहा होता है कि ये काम सही है करना कि नहीं, लेकिन वो कहती है कि अब जब काम संभाला है तो करना तो होगा ही, हमने तो पहले ही सोचा था कि अब इसको अंजाम तक तो पहचाना होगा। वो फाइल जो है वो दे देती है और कहती है और कुछ।
तो वो कहते हैं हाँ पैसों की ज़रूरत होगी। तो शिवांगी कहती हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। फिर वो कहती गायत्री देखा इतना भी मुश्किल काम नहीं है, अब जिस काम को समझाना है उसको तो हमें करना ही होगा पूरा। और इधर तब तक युग आ जाता है और वो जो है उसे देखता है अगम को कि अगम पूछ रहा होता है, उसको ढूंढ रहा होता है निमृत को। तभी उसको क्या होता है, युग जो है वहीं खड़ा होता है, उसको जो है शिवांगी नज़र आ जाती है और वो सोचता है कि अब जो है इसको कैसे भी किडनैप कर लेते हैं। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे अगम भी खड़ा होता है, वो सोचता है ये अगम को भी अभी आना रह गया था क्या यहाँ पे। इधर वो जो शिवांगी है वो गायत्री कहती है तो मेरे साथ नहीं चल सकती, वो कहती नहीं। तो इधर शिवांगी आ रही होती तो इधर युग जो है उसको किडनैप करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अगम बीच में होते हैं, अगम के हाथ से फोटो गिर जाती है शिवांगी की, वही निमृत की, वो उठाने के लिए नीचे झुकता है तैसे उठता है और उधर युग उसके पास पहुंचने ही वाला होता है। तब तक अगम जो है मुड़ जाते हैं और इधर आ रही होती है शिवांगी। युग जैसे ही पहुंचता है उसके मुंह पे रुमाल लगाने की कोशिश करता है, तभी इधर से जो अगम होते हैं ना वो अगम जो है उसे शिवांगी को देख लेते हैं। और युग के पहुंचने से पहले ही अगम जो है उसको आवाज़ दे देते हैं तो अगम पास से निकल जाता है, उसको बेहोश नहीं करता है। और सोचता है एक मिनट के बाद ही अगम आ जाता तो क्या हो जाता, इसकी वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। और अगम जो है दौड़ के जाते हैं शिवांगी के पास, कहते हैं निमृत जी आप कहाँ थी, आप कहाँ चली गई थी, मैं अब कितना परेशान हो रहा था। तो वो कहती है शिवांगी कि वो तेज जी मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, फिर वो मुझे वहाँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। अब मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं था, मैं कहाँ जाती, मैं ऐसे ही चलती जा रही थी इधर उधर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अगम को गुस्सा आने लगती थी जो नताशा पे, तो कहती क्या करती मैं ऐसे ही रात होती चली गई, फिर मेरा बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा, फिर मैं ऐसे ही चलती जा रही थी। तब अगम कहता है कि निमृत जी आप बहुत थक गई होंगी, चलिए घर चलिए। तो वो उसको घर लेके जाने लगता है और उसे मन ही मन जो है गुस्सा भी आ रहा होता है तेज पे और नताशा पे। फिर वो कहता है चलिए, वो चली जाती है। जब फिर आगे दिखाते हैं कि जो शिवांगी है वो घर पहुंचती है और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इधर दिखाते हैं अमृत है वो बहुत गुस्सा कर रही होती है युग पे कि तुम्हें एक काम करने को दिया वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए, वैसे तो तुम बहुत कहते हो कि मैंने ये किया है वो किया है, क्या किया है, कैसे लूज़र हो तुम। युग कहता है लूज़र मत कहना, वो अगम ठीक मौके पे वहाँ पे आ गया तो मैं क्या करता, मेरा तो काम हो ही गया था, लेकिन अगम की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अमृत को बहुत गुस्सा आ रही होती, कहती आगे से मैं तुमसे नहीं कहूँगी। तभी युग उसका गला पकड़ लेता, कहता ज़्यादा मत करो, मेरे गुस्से का वरना शिकार हो जाओगी, मैंने इतने दिनों से अपना गुस्सा दबा के रखा हुआ है। तभी अमृत कहती है कि क्या कहा, मैं किसी के गुस्से का शिकार नहीं होने वाली हूँ, मैं प्रिंसेस अमृत हूँ, मैं शिकार नहीं होने वाली हूँ, मैं शिकार करती हूँ, याद रखना हमेशा। और इधर दिखाते हैं कि युग के पास जो है फ़ोन आता है ऑफिसर का कि जो है वो लड़की वहाँ से फाइल देके जा चुकी है। तो युग कहता है कि तभी उसे वहाँ पे नताशा मिलती है, वो निमृत, वो कहता है कहती है कि मुझे पता चला कि वो जो शिवांगी है वो घर पे पहुँच चुकी है अगम जी के साथ। तो युग कहता है, तेज कहता है कि मुझे पता चला है कि वो फाइल उसने डिलीवर कर दी है, अगर वो वही लड़की है तो बहुत गलत है, मुझे यकीन है कि शिवांगी वही लड़की है, वो मिली हुई है। और इधर ये सुन के नताशा चौंक जाती है। और इधर अगम और शिवांगी घर पे आ जाते हैं तो अगम कहते हैं कि आप बैठिए, आप सुबह से भूखी प्यासी घूम रही हैं इधर उधर, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तभी वहाँ पे तेज और नताशा आ जाते हैं तो वो कहती है कि कहाँ थी तुम इतने टाइम से। तो तभी अगम को गुस्सा आ जाती है, कहती है आप दोनों तो बात मत करो, आप दोनों कैसे हो, उसको वहाँ छोड़ के चले आए, निमृत जी को कुछ पता है क्या, उनको तो कुछ याद भी नहीं है, आप दोनों की वजह से आज उनको इतनी परेशानी उठानी पड़ी, बेचारी कुछ भी तो नहीं जानती हैं, और वहाँ पे छोड़ना क्या जरूरी था, भूखी प्यासी घूम रही हैं। तो तेज कहता है सॉरी, वो मुझे ज़रूरी काम था जाना पड़ गया। तो अगम कहता है मुझसे सब मत बोलो, लेकिन वो सॉरी कहता है। तो अगम कहता है मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अब इधर निमृत जो नताशा है वो सोच रही होती है कि ये क्या, तभी वो लेने चला जाता है, कहता है मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, निमृत जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। फिर अगम तो वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों तेज और नताशा और शिवांगी होते हैं तो वो कहती है कि तुम कहाँ थी सुबह से। तो वो कहती मैंने कहा था ना, वो कहती तुम 2-3 घंटे के लिए कह के गई थी और तुम रात कर दी। तो वो कहती मैंने कहा था ना मेरा पर्सनल काम है, कोई आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे इसमें। तो नताशा कहती है कि तो बताना तो चाहिए था, हम इतना परेशान हो रहे थे। तभी शिवांगी कहती है, तेज भी कहने लगता है, तो कहती देखो मेरे पर्सनल मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वो तेज कहता है अच्छा तो तुम मिली हुई हो वहाँ पे, तुम वो फाइल देने गई थी मार्केट में, वहाँ क्या कर रही थी तुम।
तो वो कहती है शिवांगी, अच्छा तो तुम मुझ पर नज़र रखे हुए थे, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी डील हुई थी कि मेरे पर्सनल काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, फिर भी कर रहे हो, और अगर ऐसा ही है तो फिर मैं ये काम करूँगी नहीं। अब याददाश्त जाने का नाटक मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हारी ही चली गई है। तभी नताशा समझाती है कि नहीं, युग से रिक्वेस्ट करती है कि मान जाओ, तो युग कहता है, इतेज से कहती है कि मजबूर है, तो वो कहता है ठीक है मैं आगे से कुछ भी नहीं कहूँगा। वो शिवांगी कहती ठीक है तो फिर मैं करूँगी, और निमृत कहती है कि आगे से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, जो डील हुई है हम उसी के मुताबिक ही रहेंगे, और तुमने तो कहा था कि डील के हिसाब से नहीं। तो वो कहती है मैं कहाँ डील तोड़ रही हूँ, तो तेज तोड़ रहे हैं ना, इनको रोकिए। तो तेज कहता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो है आगे से नताशा कहती कहीं जाना तो बता देना। वो कहती ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।